आज मैं फिर से खेल रहा हूँ ग्रैनी चैप्टर 3 और इस बार मैं स्केप करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैंने ये लॉक खोल लिया, अब जाके वो लॉक खोलता हूँ और फिर आज मैं इसको स्केप करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऊपर से ग्रैनी आ चुकी है और मैं यहाँ से नीचे जाकर छुप जाता हूँ क्योंकि ग्रैनी यहाँ से चले जाएगी और मुझे यहाँ पर छुप जाना चाहिए क्योंकि ग्रैनी यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर मैं छुप चुका हूँ, यहाँ तक तो ग्रैनी आई नहीं है। अब मुझे ऊपर जाकर देख लेना चाहिए ग्रैनी यहाँ पर आई तो नहीं है। तो अगर ग्रैनी वहाँ पे ऊपर होगी तो वापस मैं नीचे आ जाऊँगा। मुझे लगता तो नहीं है कि ग्रैनी यहाँ पे है, यहाँ जाकर देखता हूँ। वो देखो ग्रैनी वहाँ पे जा रही है, तो देखो ग्रैनी वहाँ पे जा चुकी है। और मैं अब ये दरवाज़ा खोल लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कौन सी की लगेगी। तो यहाँ पे लगेगी पैडलॉक की, आई नीड अ पैडलॉक की। तो यहाँ पर पैडलॉक की भी मुझे लेके आनी है, फिर मैं यहाँ पर लगाऊँगा। यहाँ पर कुछ करना होगा, जैसे कुछ खुलना होगा। तो यहाँ पर ग्रैनी कुछ रखे गई है कांटा सा, और वो पैडलॉक की भी लेके आनी है, ढूंढनी है वहाँ पे लगेगी। ओ वहाँ पे ग्रैंड पा आ रहा है, चलो वहाँ पे नीचे जाता हूँ, नीचे जाके छुप जाता हूँ यहाँ से, वही जगह में जहाँ से आया हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ क्योंकि जब तक ग्रैंड पा वहाँ से चल ही नहीं जाता। तो थोड़ी देर मुझे यहाँ पे छुपा रहना चाहिए जब तक ग्रैंड पा वहाँ पे चला नहीं जाता। तो अब मुझे लग रहा है कि ग्रैंड पा वहाँ पे चला गया होगा। तो अब मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ कि ग्रैंड पा यहाँ से बाहर गया या नहीं। तो अब मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि ग्रैंड पा यहाँ पे गया। ओ ग्रैंड पा यहाँ से जा चुका है। अब मैं जाके ऊपर फिर से देखता हूँ, कुछ सामान ढूंढने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि पैडलॉक की या कुछ और सामान। सबसे पहले कैबिनेट वगैरह चेक करता हूँ, यहाँ पे ग्रैनी आ चुकी है, यहाँ से निकल जाता हूँ। ग्रैनी तो बार बार आई जा रही है, पर ग्रैनी ने पकड़ लिया। मैंने कहा कि मैं ग्रैनी के पास से होके जा सकता हूँ, पर ग्रैनी ने तो आकर मैं पकड़ लिया। और Day 2 स्टार्ट हो चुका है। तो फिर से ये लॉक खोलते हैं और बाहर चलते हैं। यहाँ से ये लॉक है, इसको मैं खोल लेता हूँ और बाहर जाते हैं। यहाँ पे इस ये लॉक में जल्दी खोल लेता हूँ, फिर जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर में जहाँ पे ग्रैंड पा भी हो सकता है, पर मुझे बड़े आराम से जाना पड़ेगा यहाँ। चलो ये दरवाज़ा तो खुला ही हुआ था, और यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई ड्रॉस है ना कुछ है। और ये ड्रॉस चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ पड़ा है नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं पड़ा। वो ऊपर से ग्रैंड नहीं आ रही, चलो मैं किचन की तरफ भाग जाता हूँ, यहाँ पे तो वो आएगी नहीं। यहाँ से जल्दी पहले ये दरवाज़ा भी चेक करना है, देखो ग्रैनी आ तो नहीं रही, ग्रैनी आ तो नहीं रही। मैं ये दरवाज़ा भी खोल देता हूँ, जब ग्रैनी आएगी मैं यहाँ से चले जाऊँगा। जब तक ग्रैनी आ रही है तब तक मैं ये दरवाज़ा चेक कर लेता हूँ क्योंकि ग्रैनी बहुत स्लो आ रही है। चलो सारे दरवाज़े में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इन दरवाज़े के अंदर भी कुछ नहीं है। इतने सारे दरवाज़े हैं, इन दरवाज़े के अंदर कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर एक बड़ा फायर रोड, चलो ये चलते हैं, काम आएगा। ऊपर वाले फ्लोर के अंदर जाके हमें रखना होगा ये फायरवुड, पे मैंने माचिस ढूंढनी होगी। इससे कुछ तो होता ही, ऊपर जाके कहीं भी आग लगानी होती है या कुछ और होता है, जहाँ पे वो कौवा ऊपर बैठा होता है वो वहाँ से उड़ जाता है। फिर वहाँ से हमें कोई चीज़ मिलती है, जैसे कि कोई की होती है या कोई और चीज़ होती है, वो हमें मिलती है। और अब ऊपर जाकर देखता हूँ ऊपर कहीं ग्रैनी या ग्रैंड पा तो नहीं है। यहाँ पे ना ही ग्रैंड पा है ना ही ग्रैनी है। और ये दरवाज़ा चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे इसको खोल के, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ से अंदर जाके चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे ग्रैनी नहीं है, नहीं ग्रैनी यहाँ पे नहीं है। अब हाँ, ये फायरवुड हमें यहाँ पे लगाना होता है और यहाँ से माचिस से इसको चलाना होता है। फिर जो ऊपर कौवा होता है वो यहाँ से उड़ जाता है, तो उसके धुएं की वजह से वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो देखो ग्रैनी कहाँ पर आ चुकी है, वहाँ से ग्रैनी वहाँ पर अंदर जा रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ हो गई थी, तो ग्रैनी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं जाके ऊपर चेक कर लेता हूँ, यहाँ से यह दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ से ग्रैनी होकर गई होगी। तो यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, अरे हाँ यहाँ पे तो टूटा हुआ है। वहाँ पे जाने के लिए हमें प्लैंक लगेगा, तो प्लैंक लेके आएंगे तो वहाँ पे रखेंगे। और अब मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ, तो चलो नीचे की तरफ पहले देख लेते हैं, वहाँ पर लगता है ग्रैंड पा आ रहा है। तो चलो वहाँ से नीचे चलते हैं, मुझे लगता है जैसे ग्रैनी यहाँ पर ऊपर आ रही थी, तो यहाँ पर ग्रैनी आ रही थी, आवाज़ आई थी ग्रैनी की। तो यहाँ से जाकर देखता हूँ, यहाँ पे ग्रैनी तो मुझे लगता है चली गई होगी। ओह ये क्या, ग्रैनी तो यहाँ पे खड़ी थी। चलो ग्रैनी ने यहाँ पे पकड़ लिया फिर से, मुझे लगा ग्रैनी नीचे चली गई होगी, पर ग्रैनी तो यहाँ पे थी। और अब स्टार्ट हो चुका है Day 3, तो Day 3 स्टार्ट हो चुका है। तो वापस से लॉक मैंने खोल लिया है और अब चलते हैं बाहर ऊपर की तरफ। यहाँ पर बस ग्रैनी ना आती हो और ना ही ग्रैंड पा आ रहा हो, ना ग्रैनी आ रही हो। सबसे पहले चलते हैं ऊपर, तो ऊपर ग्रैनी वहाँ पे जा रही है, वहाँ से ग्रैनी ने देख लिया ग्रैनी आगे पीछे। चलो भाग के चलते हैं किचन की तरफ, ग्रैनी यहाँ तक तो नहीं आ पाएगी।
चलो यहाँ से चलते हैं किचन में। तो ग्रैनी तो पीछे आ रही है, इस बार ग्रैनी पीछे आ रही है। तो हमारे पीछे ग्रैनी आ रही तो मैं वहाँ से घूम कर वापस आ चुका हूँ। अब ग्रैनी पीछे नहीं आ रही होगी, मुझे लगता है ग्रैनी चले गई, वो ग्रैनी तो पीछे आ रही है। तो डे 4 स्टार्ट हो चुका है, ग्रैनी ने फिर से पकड़ लिया। तो ग्रैनी ने इस बार फिर से पकड़ लिया। डे 4 स्टार्ट हो चुका है, अब वापस मैं इसका लॉक खोलता हूँ। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अब नीचे चेक करना चाहिए कि नीचे भी कुछ होगा। तो पहले जाकर मैं नीचे चेक कर लेता हूँ कि मैं क्या होता है, नीचे कुछ काम की चीज़ पड़ी हो। वहाँ पर जाके मैं चेक करता हूँ, मुझे लगता है कुछ काम की चीज़ ही हो नीचे। तो यहाँ से जाके मैं वो खोल लेता हूँ, यहाँ पे ये दरवाज़ा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ पड़ी है। वो यहाँ पे तो प्लैंक पड़ा है, चलो ये काम आ जाएगा। तो आवाज़ भी हो चुकी है, अब मुझे लगता है ग्रैनी ना आ गई हो, क्योंकि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ही हुई है। वो आवाज़ अब और ज़्यादा हो चुकी है। तो वापस ऊपर जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि ग्रैनी नहीं आ गई। मुझे लगता है ग्रैनी आ गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो अगर ग्रैनी आ गई तो मैं भाग के नीचे आ जाऊँगा, और ग्रैनी देख तो नहीं रही कहीं पर। ओ ग्रैनी आई ही नहीं नीचे, तो ग्रैनी को मुझे लगता है आवाज़ ही नहीं गई होगी। ग्रैनी नीचे नहीं आई, ग्रैनी तो आ चुकी है। मैंने कहा ग्रैनी को आवाज़ ही नहीं गई होगी, पर ग्रैनी तो यहाँ पे आ गई। तो मैंने यहाँ पे प्लैंक लगा दिया, अरे ये तो प्लैंक के अंदर से होके आ गई, ग्रैनी तो यहाँ से होकर आ गई। ग्रैनी ने फिर से पकड़ लिया यार। तो ये डे 5 स्टार्ट हो चुका है, वापस इसका लॉक खोलते हैं, और अब हमें ढूंढना है नीचे जाके जो प्लैंक था। प्लैंक तो चलो यहाँ पे पड़ा है, अब चलते हैं ऊपर। ऊपर मुझे लगता है किचन की तरफ देख के आता हूँ, यहाँ पे कुछ तो मैंने देखा था, यहाँ पे कुछ तो पड़ा होगा। चलो पहले ऊपर चल के देख लेते हैं ऊपर क्या है। ऊपर तो ग्रैंड पाया, चलो भागो किचन की तरफ भागो या बाहर की तरफ भागो। चलो भाई किचन की तरफ भाग लेते हैं, बाहर तो दरवाज़ा ही बंद था। और वो सेल्ट्रीन आ गई यहाँ पर, और यहाँ पे ग्रैंड पा तो वहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर सेल्ट्रीन आ चुकी थी, और अब मैं यहाँ पे ये दरवाज़ा खोल लेता हूँ, और ग्रैंड पा तो चले गए ऊपर। तो ग्रैंड पा तो ऊपर जा रहा है, अब ग्रैनी पता नहीं कहाँ पर है। तो मुझे लगता है ग्रैनी भी ऊपर ही होगी, अब ग्रैंड पा ऊपर गया है तो ऊपर देख लेता हूँ कहीं पे ग्रैनी ऊपर ही होगी। तो अब ग्रैनी कहाँ पर है, वो ग्रैनी तो ऊपर से आ रही है। ग्रैनी आ जा मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जा ग्रैनी। तो मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, पर ऊपर से ग्रैनी आ रही है। नहीं ग्रैनी वो भागो यहाँ से, ग्रैनी ने फिर से पकड़ लिया। तो अभी आप लोग लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो तो में। अभी आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, तो फिर मैं कभी इस गेम से एस्केप करने का ट्राई करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।